दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इमित्र हेल्प वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक पैन कार्ड बनाना है तो आप बिल्कुल फ्री में बिना एक रुपया दिए अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन डिवाइस के अंदर बड़े ही आसानी से पैन कार्ड किस प्रकार से बना सकते हैं। और दोस्तों न सिर्फ आपको फ्री में पैन कार्ड बनाने को मिलेगा बल्कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भी उसके अंदर नहीं लगाने, प्लस आपका पैन कार्ड आपको तुरंत मिल जाएगा जैसे ही आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट किया और कुछ ही मिनटों में आपका पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है और अगर इस स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो बड़े ही आसानी से आप पैन कार्ड बना पाएंगे। दोस्तों भारत सरकार ने इस वर्ष के जो बजट हुआ था उसके अंदर घोषणा की थी कि आपको तुरंत पैन कार्ड की सर्विस दी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उसी वादे को पूरा करते हुए इस सर्विस को दिया है। दोस्तों इस सर्विस का इस्तेमाल आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड नंबर हो। दोस्तों वैलिड आधार कार्ड नंबर से मतलब है कि आपके आधार कार्ड नंबर काम करते हो और उसके अंदर मोबाइल फोन नंबर भी रजिस्टर्ड हो। अगर उसके अंदर मोबाइल फोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पैन कार्ड बनेगा वह ई केवाईसी से बनेगा और ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करके बड़े आसानी से आप इस पैन कार्ड को बना पाएंगे। और जब आप इस पैन कार्ड को बनाएंगे तो उसके बाद आपको न तो डॉक्यूमेंट कहीं पर भेजने की जरूरत है, जैसे कि हम एनएसडीएल या फिर यूटीआई पोर्टल काम में लेते वक्त करते हैं तो वहां पे हम डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने की जरूरत होती है और बन के भी समय लगता है आने में, लेकिन यहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएगा जैसे ही आप आवेदन फॉर्म सबमिट करेंगे। दोस्तों क्या रहेगा इसका प्रोसेस और किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है, तो ये दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं पूरा प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करके इस पोर्टल पे आ जाना। दोस्तों इसका यूआरएल है आप देख पा रहे हैं incometaxindiafilling.gov.in, ये वाला यूआरएल है। तो इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे दिया है, वहां से आप इजीली इसको ओपन कर ले। ओपन कर लिया उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना। दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है इंस्टेंट पैन अलॉट इन नियर टू रियल टाइम इज अवेलेबल एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल ये फ्री में मिलेगा आपको, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास वैलिड आधार कार्ड नंबर जिसके अंदर मोबाइल फोन नंबर अपडेट हो। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 13/2/2020 का ये नोटिफिकेशन है। अब दोस्तों आपको अगर इंस्टेंट ई पैन कार्ड बनाना है तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं ये लिंक दिया गया इंस्टेंट पैन थॉट आधार, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो कर लेते हैं हम यहाँ पे क्लिक, ये क्लिक कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये इसका मेन पेज है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल रहे हैं गेट न्यू पैन कार्ड और चेक स्टेटस एंड डाउनलोड। दोस्तों यहाँ पे जो गेट न्यू पैन कार्ड है यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा और जब आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, आपने आवेदन फॉर्म सबमिट कर लिया, उसके बाद चेक स्टेटस डाउनलोड से आप आसानी से पैन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे ई पैन कार्ड को। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों कोई गाइडलाइन चाहिए तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे एफएक्यू है और यहाँ पे आप मोबाइल जो ऐप है वो भी डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी बना सकते हैं। तो हम गेट न्यू पैन पे क्लिक करके इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों ये इसका फॉर्म ओपन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर फॉर पैन अलॉटमेंट, यानी कि जो आपके आधार कार्ड नंबर है जिसका भी आपको पैन कार्ड बनाना है उसके आधार कार्ड नंबर आप यहां पे एंटर करेंगे। तो हम कर लेते हैं एंटर। ये मैंने एंटर कर लिए आधार कार्ड नंबर। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे आना है, यहां पे आपको डालने कैप्चा जो ऊपर दिए हुए आ रहे वो कैप्चा है तो आप यहां पे डाल देंगे। दोस्तों कैप्चा जैसे दिए हुए वैसे के वैसे आपको डाल देने हैं, ये मैंने कैप्चा डाल दिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आई कंफर्म दैट, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब दोस्तों कंफर्म क्या कर रहे हैं, आई हैव बीन अलॉटेड ए परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब आपके कभी भी परमानेंट यानी कि पैन नंबर जारी नहीं हुए। आई हैव नेवर बीन अलॉटेड, माई मोबाइल नंबर इज लिंक्ड विद आधार कार्ड, आपके मोबाइल फोन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक हो। माई कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ इज द अवेलेबल ऑन आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड पे आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ शो हो रही हो। आई एम नॉट ए माइनर, आप माइनर नहीं है यानी कि आपकी एज कम नहीं है। आई हैव रीड द टर्म एंड कंडीशन, मैंने टर्म एंड कंडीशन अच्छी तरीके से पढ़ लिए, ये सभी आपने देख लिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी पे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल फोन नंबर दिए हुए वहां पे आपको एक ओटीपी नंबर मिल जाएंगे। तो जैसे ही ओटीपी नंबर मिले तो उसको आप एंटर कर लेंगे।
एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे आई एग्री, यहां पे आप क्लिक करेंगे आई एग्री टू अवेल माई आधार डिटेल विद द यूआईडी आफ्टर द सबमिट वैलिडेशन ऑफ ओटीपी दिस रिक्वेस्ट फॉर ई केवाईसी आधार डाटा विल बी फेस्ड फ्रॉम यूआईडी, यानी यूआईडी से जो भी आधार कार्ड का डेटा है वो ले लेंगे। फिर आप वैलिडेट आधार कार्ड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ देर लेगा और दोस्तों आपका जो आधार कार्ड का डेटा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। तो अभी दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपका ये पूरा का पूरा डेटा है जो ऑटोमेटिक आ गया, ये फोटो आ गया आधार कार्ड से, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस वगैरह बिल्कुल एजिट जैसा वहाँ था वैसा का वैसा यहाँ पे आ गया है। तो अब आप इसके अंदर कोई बदलाव चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर बदलाव की जरूरत नहीं है तो आपको आगे बढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे बदलाव का ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि ये डायरेक्टली आधार कार्ड से डेटा ले रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट दैट पे क्लिक करना है एंड प्रोसेस टू वैलिडेट द ईमेल, यानी कि ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यू विल शॉर्टली रिसीव ए ओटीपी ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपके जो आधार कार्ड के अंदर मेल आईडी रजिस्टर्ड है वहां पे आपको ओटीपी मिलेंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालने होंगे। अगर आप चाहे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर मोबाइल ईमेल आईडी आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं है तो। अब दोस्तों जो ईमेल पे ओटीपी मिले वो आप यहाँ पे डाल देंगे, फिर दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। थैंक यू, वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल, और आपके जो ये नंबर हैं ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस नंबर को आप नोट कर लेने हैं और आपके मेल आईडी पे भी आपको मिल जाएंगे और आपके मोबाइल फोन नंबर पे भी ये आपको मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 500 ऑप्शन टिक हो गए, लेकिन हो गए इसका मतलब है कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप इसके यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं इसका कि ये जारी हुआ या फिर नहीं। उसके बाद दोस्तों आप वापस होम पे जाएंगे, अब दोस्तों आपने अभी सबमिट किया है, अभी इंस्टेंट में आपको बता रहा हूं कि वापिस आप यहां पे गए। अब दोस्तों आप सेक स्टेटस डाउनलोड पैन कार्ड पे जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहां पे अपने आधार कार्ड नंबर डालने हैं, तो मैं यहां पे आधार कार्ड नंबर डाल देता हूं। वापिस दोस्तों आप यहां पे अपने कैप्चा डालेंगे और आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बार वापस ओटीपी मिलेंगे। आप ओटीपी यहां पे डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे और दोस्तों देख पा रहे हैं डाउनलोड पैन का ऑप्शन आ गया और ये डाउनलोड पैन पे मैंने क्लिक किया। जैसे दोस्तों मैंने डाउनलोड पैन पे क्लिक किया तो कुछ ही सेकंड का ये टाइम लेके डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इतना बड़े ही आसानी से आपका पैन कार्ड बन गया, कुछ भी टाइम नहीं लगा, इंस्टेंट टाइम में बना है। अभी आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पैन कार्ड डाउनलोड हो गया है, तो अभी आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारा पैन कार्ड डाउनलोड हुआ या फिर नहीं। तो अभी जैसे दोस्तों डाउनलोड हो गया तो हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको डालनी है जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है आपको, ये दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं वैलिडेट पैन कार्ड है, तो ये आपका पैन कार्ड इतने बड़े ही आसानी से बन गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप तुरंत पैन कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कितना जल्दी और कितना आसानी से ये पैन कार्ड बन गया, कुछ भी समय इसमें नहीं लगा, यानी कि तुरंत का तुरंत बन गया। इसे कहते हैं इंस्टेंट ई पैन कार्ड, जो आपका तुरंत का तुरंत बन जाता है जैसे ही आप इसका डेटा सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे फोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ इसके ऊपर शो होती है और एक बारकोड नंबर भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा सा प्रोसेस था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया। तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करके पैन कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल फ्री में बना, ना पैसे लगे और ये आसानी से बन गया। तो दोस्तों ये तरीका था इंस्टेंट ई पैन कार्ड बनाने का। दोस्तों ये प्रोसेस था ई पैन कार्ड बनाने का। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इंस्टेंट ई पैन कार्ड आप किस प्रकार से बना सकते हैं और बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा लाइव डेमो आपको दिया। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है।
और दोस्तों आशा करते हैं कि बहुत जल्दी जो दूसरे दस्तावेज है वह भी इसी प्रकार से बनने प्रारंभ हो जाए, जैसे वोटर आईडी कार्ड वगैरह है। तो इसके बारे में अगर कोई ऐसी सर्विस है तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं बता दूंगा कि तुरंत आप वोटर आईडी कार्ड किस प्रकार से बनाए, अगर है कोई सर्विस तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, घंटे के निशान को दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने होंगे, जिससे जब भी मैं ऐसी वीडियो लेके आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख के आपका ज्ञान बढ़ा पाएंगे। दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।